क्या किए हो? सर गिरा जा। किसने गिराया है? समीर। क्यों गिराया है समीर? अपनी गलती बोल रहा है कि मैंने किया है, तो मतलब इसकी रिस्पांसिबिलिटी है। नो, ये तो ब्लेम स्टार्ट कर दिया तुमने। इसको सबसे कुछ भी नमक कोई भी पाउडर दिखेगा इमीडिएटली इसको फ्लोर पे गिराएगा। इसको इधर आओ। क्यों किया मुझे बताओ, क्यों किया? कार। इस पे कार चलाओगे? चलो सब बटर को उसमें डालो, लेके आओ, जल्दी उठाओ। हाँ जल्द, चलो चलो। हाँ चलो, हाँ लगाओ। हाँ चलो, हाँ गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ चलो उठाओ। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ चलो उठाओ, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। हाँ चलो क्लीन करो। हाँ ट्रस्ट में डाल के आओ। हाँ कहीं और मत गिरा देना। यस, इन लोग को पता होती है, कहीं भी सीआरबी का सेम मॉडल दिख जाता है तो इमीडिएट पहचान जाते हैं कि ये हमारी कार का मॉडल है। नमस्कार, हमारे ब्लॉग पे आपका स्वागत है। और ये आज बहुत रैंडम ब्लॉग होने जा रहा है। हम रोज समर समीर को सुबह निकालते हैं थोड़ा सा स्टोन फेंकने के लिए, थोड़ा खेलने के लिए बाहर। तो भी देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा हाइकिंग ट्रेल है हम लोग के घर के पास। तो यहाँ पे लेके आता हूँ, खेलते हैं, स्टोन फेंकते हैं। तो समीर आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक्सकवेटर। सो एक्सकवेटर देखना है। अरे भाई इनको बता दो एक्सकवेटर क्या होता है। एक्सकवेटर। एक्सकवेटर कैसे काम करता है? ऐसे करता है। अरे इन लोग को एक्सकवेटर नहीं पता है, तुम बताओ सही से। तू गा के सुनाओ। नो पापा। आई एम एक्सकवेटर, हे डोंट सी यू लेटर। तो हमारी टीम अब जा रही है, इनको पता है कि किधर जाना है, कहाँ स्टोन फेंकना है। तो अब आधा घंटा कम से कम वहाँ पे स्टोन फेंका जाएगा, इससे कम नहीं। स्लोली स्लोली, वेरी स्लो, वेरी स्लो समीर, वेरी स्लो। हाँ तो हमारी टीम अब शुरू हो गई है स्टोन फेंकने के लिए। रूम में वाटर फेंक। ओके वाटर में फेंकता हूँ ये। हैप्पी? हैप्पी। कितना हैप्पी? ओह बिग बिग हैप्पी। ए वेर इज फ्रॉग? फ्रॉग वेर, कहाँ गया फ्रॉग? ये है देखो, ये फ्रॉग मिल गया है देखो। डेड नहीं है। ओ जाओ जाओ, फ्रॉग को निकालो, बोलो प्लीज कम। Frog, please come, yaar. Why you are going down? ये हर एक स्टोन को सेफ भी पूछ रहे हैं, किस कलर का है, किस सेफ में है, तब फेंक रहे हैं एकदम। सेफ स्टोन नहीं है, ऐसे फेंको जो है वो सब फेंक दो। हाँ तो हम लोगों ने स्टोन फेंका और हम लोग अपने ही खुद गीला हो गए। कौन कौन गीला हो गया? दादा कहाँ गीला हुए जी? दादा तो घर पे है। अब क्या देखने चलेंगे? तो अब एक्सकवेटर देखने चल रहे हैं। इनको देख के अपना भी बचपन आता आता है। ये पेरेंटिंग का एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अपने बचपन की सारी यादें आने लगती हैं। अब ये लोग बालू में खेल रहे हैं और इस चीज को देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि कैसे हम लोग स्टील की कटोरी और ग्लास लेके और बाहर की जितनी धूल रहती थी उस धूल को बटोर के और फिर उससे खेलते थे। सैंड देना है, वन सैंड, टू, थ्री। अब समीर लेगा, समीर लो, समीर लो। समीर तुम्हारे ऊपर गिरा है। ड्रामा बॉय। अच्छा इसको हाथ झाड़ ओ कर दो। <निका। laughs>
कभी कभी लगता है कि यार हम लोग अपनी लाइफ में कितना बिजी हो जाते हैं, भाग दौड़ में हो जाते हैं। अभी इन लोग के साथ चिल लो के खेल रहा हूँ, इतना अच्छा और इसमें इतना सुकून लग रहा है। यार छोड़ो, कभी कभी साला कैरियर की लाइफ की बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं हम लोग और बहुत लाइफ हाथपस हो जाती है भागते भागते। इन लोग को भी कितना मज़ा आ रहा है, हम भी इसमें चिल कर रहे हैं आराम से। यस बेटा, आई लव यू, आई लव यू। अरे यार इतना मेहनत कराते हो, आई लव यू तो बोलो। अरे हमको क्या मिलेगा भाई, आई लव यू, आई लव यू। आई नो तुम ना बोल रहे हो बट प्यार तो करते हो, लड़कियों की तरह ना करती रहती है बट अंदर प्यार रहता है। करो आँख बंद करो, ना आँख बंद करो, ना बंद करो, तुम बंद करो, समझ बंद करो ना। एक एक बार सब लोग सबके नाक में डालेंगे ना। चोट लगी। क्या कर रहे हो? नहीं कट। नो समर को मैं कट करूंगा, समर को कट करूंगा। समर लेट्स गो। समर यानी जंपिंग, कम ऑन। अरे समीर पकड़ो भाई, देखो इसीलिए मैं बोला हूँ कि पकड़ो इसको। क्या बोला? कलरफुल। यस वेरी कलरफुल। ओ माय गॉड, यस यस टेल मी व्हाट कलर इज देयर। रेड, येलो, येलो, पर्पल। बोलो एम फॉर बट एम फॉर म्यूजिक हियर। एक ब्लॉग में देखा होगा, बारिश वाले ब्लॉग में, कि मैं यहाँ पे कंचन के साथ बैठ के रोमांस कर रहा हूँ। आज दूसरा टाइम है इनके साथ रोमांस चल रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो अब हमारी टीम जा रही है एक्सकवेटर देखने। और हाँ, मैं कई बार एक्सकवेटर बोल चुका, जिसको पता नहीं, एक्सकवेटर जो अपने जेसीबी वाली खुदाई की मशीन होती है उसी को एक्सकवेटर बोलते हैं। उसमें भी कई तरह का होता है, तो जो चेन वाला जिसका बेस होता है, टायर नहीं होता, जो चेन का टायर होता है, वो वाले को एक्सकवेटर बोलते हैं। तो उधर एक्सकवेटर और सब खुदाई का काम चल रहा है, तो आवाज़ हो रही है, तो लोग कान बंद करके और खोल के चेक कर रहे हैं कि कैसे आवाज़ आ रही है, जा रही है। ड्रामा नहीं समर, ड्रामा नहीं। हाँ रन करो, चलो ड्रामा नहीं। ये इस पर क्लीनिंग करते हैं। हाँ हाँ बेबी, वो यूनिवर्सिटी की पुलिस है। समीर हाँ देखो लाइट, ये वाह, कम हियर, कम हियर, सी हाँ सी दिया। हैप्पी हाँ, टच करके फील कर लो। हाँ आप दिखा है एस्केवेटर, लेट्स गो एस्केवेटर। हाँ पुलिस कार, बाय बाय, जल्दी समीर। हाँ बिग एस्केवेटर। अरे मेरी तरफ भी एक बार देख लो तुम लोग। ए गाइस हैप्पी, अरे माय गॉड, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पे काम कर रहा है, और उसका जो माउथ का टीथ होता है ना, उसको बोला बिग टीथ, बिग टीथ। ये तो इसको एस्केवेटर बोलते हैं।
यहीं पे मैं बिस्तरा उस्तरा ला दूं, खाना पीना यहीं पे ला दूं, बैठ के खाए पियेंगे, स्क्वेटर देखेंगे। हाँ। यहीं पे खाना पीना लेके आऊं? हाँ। अरे बाप रे, एकदम कंसंट्रेटेड है, एकदम कंसंट्रेटेड है कि क्या हो रहा है। Oh my goodness. आज इनकी एकदम लॉटरी लग गई है। घर से निकलते ही गार्बेज ट्रक इनका फेवरेट आ गया, हाथ हिलाए सब लोग। तो बहुत अच्छे यहाँ के लोग होते हैं, पिप 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 करके इन लोग को बजाए, एकदम खुश हो गए। थोड़ी देर बाद पुलिस कार मिल गई, पुलिस ने भी जब इनको देखा तो इनसे बात किया और उसने लाइट जला दिया, एकदम खुश हो गए। और आज इसके वेटर भी दिखा दिए। एक बार इधर भी हल्लो बोल दो देख के, कोई नहीं सुने। एक बार इधर भी हल्लो बोल दो। अरे एक बार ठीक से हल्लो बोलो। आर यू हैप्पी? बिग हैप्पी, स्मॉल हैप्पी? बिग हैप्पी। आई नो हाउ हैप्पी यू आर। ओके समर, अच्छा ऐसे घूम रहा है स्क्वेटर? अरे बाप रे बाप। हाँ एक स्क्वेटर नो कमिंग। वो चुपचाप बैठा है, ही इज टायर्ड। हाँ वो ही इज टायर्ड। समर मुझे प्यार करो। ये समर कहाँ चढ़ रहा है? नोज का एक्सीडेंट कर रहा है। फिर से करो। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आज? हाँ इतना सारी चीजें देखने को मिल गई है। बोल रहे हो कि फायर ट्रक चाहिए। हाँ अब हम चलते हैं ना। हाँ डम्पस्टर ये बताओ अब घर। हाँ डम्पस्टर घर चले। लो आधा घंटा से मुझे यहाँ परेशान किए हुए स्क्वेटर देखने के लिए, अब एकदम मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। लो एक और इनको खुशखबरी मिल गई कि इनको वाइट ट्रक यहाँ पे मिल गया। हाँ ठीक कर लो टच कर लो। बिना टच किए ना इसको शांति नहीं मिलता। इधर टायर को टच कर लो। इस्माल हो जाओगे ना तो इस तरह करूंगा और तुमको फिर ऐसे ही प्यार से छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके सुलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। नो इस्माल हो जाओ। तो हमारे बेबी इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि बाहर से आते ही किसी को टच नहीं करते हैं, बोलते हैं अच्छी। फिर सब लोग आ जाते हैं डायरेक्ट बाथरूम में, सब कपड़ा निकालते हैं हम, और कपड़ा निकालने के बाद तुरंत ये लोग सोप डालते हैं उसमें सोडा थोड़ा सा, और फिर इसके बाद उसको वॉश किया जाता है और फिर हम लोग बाथरूम में नहाते हैं। अरे प्लीज स्माल हो जाओ यार। आई लाइक स्माल बॉय। नाटी बॉय समर। नाटी बॉय पापा। नाटी बॉय समर। हैप्पी फेस। अब निकल रहे हैं लैब, और अगला 8 घंटा 8.5 घंटा मेरा लैब में बीतेगा। तो आज का ब्लॉग ये समाप्त करते हैं, और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कमेंट में कि क्या जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, उस पर ब्लॉग बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।